हरिद्वार क्षेत्र में दूध की डेयरी चलाने वाले का कमेटी के नाम पर लोगों से ठगी का मामला सामने आया था, जिसमें कमेटियों के लाखों रुपए लेकर फरार हुए आरोपी को सिटकुल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पकड़ने जाने की सूचना मिलने के बाद 30 से अधिक लोग सिटकुल थाने पहुंच गए। वहीं पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। दरअसल बहादुराबाद सिटकुल थाना क्षेत्र के रहने वाले लोग दूध की डेयरी संचालन करने वाले दो सगे भाइयों के पास कमेटी डलवाते थे, जो लोगों का लाखों रुपया लेकर फरार हो गए थे। इसी मामले में पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस जुट गई थी। वहीं अब दोनों भाइयों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार उनियाल ने बताया कि आरोपी से पूछताछ चल रही है। इसमें आरोपी ने 20 लोगों के लाखों रुपये लेने की बात कबूली है। जिन लोगों से कमेटी के नाम पर पैसे लिए थे उनसे भी पूछताछ जारी है और जल्द ही दूसरे आरोपी को भी पकड़ कर न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा। इकबाल कहाँ रहते हो? मुकरपुर कलियर के पास। क्या मामला है आज यहाँ पर? जो है पंडित को भाग गया था, रुपए 7,12,000। किस किस के हैं आपके अलावा? पता जी, अभी आपने शिकायत दी ना? हम तो मिले नहीं, पुलिस वाले हमें भाग पहुँचे यहाँ। हमने वैसे एक रसीद थी, हमने 16 तारीख में रानीपुर कोतवाली में तैयारी। चौधरी है जो, जहाँ से सत्यप्रकाश शर्मा आज भागा है उसी के बगल में मैं रहता हूँ। बगल में मकान और पैसे मेरे भी लेके गए हैं ये, जिसमें एक 5 लाख रुपए और 1,28,000 रुपये में नगद दिए थे। जो मेरा घर का काम चल रहा था तो इनको पता था कि इनके पास पैसे हैं, तो मैंने अपना घर का काम रोक दिया। इनका मकान का काम पूरा होया मुझे पता नहीं, तो मेरे 1,28,000 एक लिए। और इन्होंने कमेटी जो डाल रखी है उसमें 5 महीने हुए, उसमें 5 महीने की किस्त एक चली गई है जो 80,000 के करीब है।